हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी बेसन और मैदा का चीला। तो उसके लिए मैंने एक चम्मच बेसन, एक चम्मच मैदा और एक चम्मच सूजी ली है। उन सबको मैंने अच्छे से एक बार ग्राइंड कर लिया है। और ये देखिए, मैंने उसको ग्राइंड करके उसमें पानी डाल के उसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म भी कर लिया है। और अब मैं उसको निकालने जा रही हूँ एक बाउल में। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसका थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म कर लिया है इसका। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है मैंने, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में चलिए इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं कुछ देर के लिए। और यहाँ मैंने लिया है एक पनीर का पीसेस, उसको मैंने ग्रेट कर दिया है अच्छे से। पूरे पनीर को अच्छे से मैंने ग्रेट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए हरी मिर्च, धनिया और कसूरी मेथी का यूज़ किया है। चलिए हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स का और यूज़ करते हैं। तो मैंने लिया है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और थोड़ा सा मैगी मसाला, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद में देखिए, पूरा हमारा जो स्टफिंग है वो भी बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ मैंने एक पैन गरम किया है, तवा गरम किया है, और उसके ऊपर मैंने इस तरह से डोसे का, ये जो चीले का पेस्ट बनाया था उसको इस तरह से मैंने इसके अंदर अच्छे से फैला दिया है, डाल दिया है। अब हम इसको धीमी आंच में पकने देंगे। तब तक हम इसके ऊपर थोड़ी सी पिज़्ज़ा टॉपिंग्स लगा देते हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं। और उसके बाद में जो हमने ये मसाला बना के तैयार किया था स्टफिंग का, उस मसाले को हम इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। ये देखिए, अब हम इसको नीचे से धीरे धीरे पलटे की सहायता से इस तरह से फैला देंगे। ये देखिए, नीचे से भी इसने अपना तवा इसे छोड़ दिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। काफ़ी क्रिस्पी भी लग रहा है ये, और ये नीचे से भी बहुत अच्छे से सिक चुका है। ये देखिए, इसको हम एक बार और इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइड से और पका लेंगे, ताकि कहीं से ये कच्चा भी रहेगा तो अच्छे से पक जाएगा। और फ्रेंड्स, ये देखिए रेडी हो चुका है हमारा, ये रेडी हो चुका है हमारा चीला। ये देखिए, मैं एक और चीला बना के तैयार कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको दोनों साइड से अच्छे से सेंका है, उसके ऊपर पिज़्ज़ा टॉपिंग्स लगा दिया है मैंने, और उसको चारों तरफ फैला दिया है अच्छे से। उसके बाद में जो हमने स्टफिंग बना के तैयार करी थी पनीर की, उस स्टफिंग को हम इसके ऊपर इस तरह से फिल कर देंगे इसको, और चारों तरफ इसको फैला देंगे। ये देखिए, देखिए मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है, और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो रेडी हो चुका है हमारा पनीर चीला, बनकर रेडी हो चुका है। बेसन, मैदा और सूजी का चीला। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू सो मच।